शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसका फोटो है ब्रेन? शवनी के पापा की जवानी के। नहीं, वो पुरानी फोटो पड़ी हुई थी, बस ऐसे हम बंटी को दिखा रहे थे। हाँ हाँ माँ, बस हमको भी दिखाओ। अब आपको छोड़िए ना, क्या करेंगे, इतनी कोई खास नहीं है। खास तो है, तुम्हारे पापा की फोटो है, बंटी को दिखाया जा रही हो, हमको भी दिखा दो, क्या हो जाएगा, दिखा। हम क्या करें, अगर चंद्रा आंटी ने पापा की तस्वीर देख ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दिखा दो। अब सब आपके ऊपर है भगवान जी, हमें बचा लीजिए। लीजिए जानबूझ के तुमने उस तरफ से दी ना, हमें माफ कर दीजिए। बदतमीज हो तुम बहुत। नहीं वो, अरे उठा लो फोटो, उठा अपने पापा का। आज तो बाल बाल बचे, हमें माफ कर दो श्रवणी, हमारी वजह से तुम्हारा सच सामने आ जाता। सच में बाल बाल बचे, लेकिन बंटी फोटो वाला आइडिया ना बहुत खतरनाक है। ये बात तो है। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? कुंडी क्यों लगाई तुमने? हम शोर मचा देंगे। अच्छा, और क्या कहोगे? हम कहेंगे कि हमारा बॉयफ्रेंड बहुत शरारती है। फिलहाल तो बंदा बावर्ची है आपका, बॉयफ्रेंड नहीं। देख लो जालिम, तुम्हारे प्यार में क्या क्या करना पड़ रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, अब हम तुमसे 24 घंटे मिल सकते हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सपना है या सच। सपना तो तब पूरा होगा जब हम तुम्हारे भैया को ना शीशे में उतारेंगे। हाँ, और फिर ना भैया हमारी शादी के लिए भी मान जाएंगे। हम तुम्हारे भैया के पुराने ड्राइवर के बेटे हैं। हम तुम्हारे जितने रईस नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं। तुम्हें लगता है फिर भी भैया मान जाएंगे? हम मना लेंगे भैया को, सच में। और क्या हो गया अगर तुम रईस खानदान से नहीं हो तो? हमारे लिए वो सब मायने नहीं रखता है। तुम्हारा परिवार इतना अच्छा है, तुम खुद इतने अच्छे हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, मेहनती हो, तुम्हारा ये दिल, पढ़ने में इतने अच्छे हो, तुम देखना बहुत जल्द ना तुम्हारी एक बहुत अच्छी जॉब होगी, फिर भैया भी मना नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है? क्या? तुम्हारा ये दिल जो अब हमारे पास है। तुम देखना जब हमारे परिवार वाले तुम्हारा ये दिल देखेंगे ना तो क्यों मान जाएंगे? हाँ, कोशिश तो यही है पंखुरी मैडम, तभी तो ये ओवर क्वालिफाइड बावर्ची आपकी सेवा में आया है, ताकि पेट के रास्ते ससुराल के दिल तक पहुंचा जा सके।
समझी? वैसे हम बच गए, वीरेन ने तो कल रात हमें पकड़ ही लिया था। यार वो वीरेन को देखते ना सब गड़बड़ा जाता है। अरे मन करता है कि मुक्का मार दें। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जो कुटाई हुई ना उसकी, उसके बाद तो एक हफ्ते तक याद रहने वाला है उसका। पंखुड़ी, पंखुड़ी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम चुप जाओ, कहीं रायता फैल जाएगा। उधर कपट में। अरे नहीं नहीं नहीं, खाली वहाँ नहीं। किधर किधर? वाह। यार गुड़िया रानी, तुम दरवाजा काहे बंद करके रखती हो? कोई है क्या कमरा में? हाँ, किसी से बतिया रही थी क्या तुम? भगवान, हमने बताया तो था तुम्हें, हम वो अकेले में ही बड़बड़ाते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। हमने भी तो तुमसे कहा था कि कभी अकेलापन लगे तो हमको याद कर लिया करो, हम आकर के अकेलापन दो, मतलब गपिया लेंगे तुमसे, बतिया लेंगे तुमसे। वैसे तुम आए किस लिए थे? तुमको देखने के बाद सब भुला जाते हो। खैर, हम अपनी पंखुड़ी के लिए कुछ पंखुड़ियां लेकर आए थे। ससुर कुछ भी अच्छा करने का कोशिश करते हैं तुम्हारे लिए, कुछ ना कुछ गड़बड़े हो जाता है। ऐसे क्या करते हो यार तुम? भगवान जी, ये देखो ये लाए तुम तुम्हारे लिए। क्या यार, गजरा लाए थे हम तुम्हारे लिए। पंखुड़ी चुपचाप ले ले, इससे बहस करेगी ना तो यही चिपक जाएगा। अब पहनाओगे नहीं हमें? हाँ पहना दो। विश्वास ही नहीं हो रहा हमको यार, तुम हमसे बोल रहे नहेंगे ना? यार, ये तुम खुद ही पहन लो, हमसे एक साथ इतना खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तुम बहुत सुंदर लगोगे यार, तुम खुद ही पहन लेना, हमसे हमसे नहीं हो पा रहा, हम जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, हम कह रहे थे कि चाय नहीं पिलाओगी हमको? हाँ चाय। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चाय पीते हैं। हाँ चलो। अरे गजरा दे के दाने डाल रहा था, इसे तो ठीक से बताता हूँ मैं। तो तुम गुंडों से भिड़ गई थी? हाँ, और नहीं तो क्या, हम तो डरे नहीं, उल्टा वो गुंडे ना एक चोटी को देखकर सांप समझ के डर गए। बागिन ओ बागिन, छोटी सी है, आपको तो पता ही ना कि हम कितने ताकतवर है। अच्छा ताकतवर हो? हाँ, देखना है तो हमसे पंजा लड़ा के देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे हाथों में कितनी ताकत है। हाँ, हमारी नन्नी बागिन हमको ताकत दिखाएगी। हा? मैं तुम्हारे ये जो कान है ना, ये कान उखाड़ के कौए को खिला दूंगा। अरे छोड़िए दादाजी, छोड़िए ना दादाजी। हाँ नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो उसे। क्या वो बंटी तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? वो तो बस हमारे साथ मजाक ही कर रहे थे। श्रवणी तुम्हें पता नहीं है वो बहुत खतरनाक है, तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
नहीं बंटी, वो श्रवणी नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरे हैं। अच्छा चलो अब हमारे साथ नाश्ता कर लो, आओ। ये बंटी दादाजी को कितना बुरा समझता है, दादाजी तो कितने अच्छे, पर ये हम बंटी को कैसे समझाए। अरे वो मंत्री जी थे, वो गए 5 साल के लिए अंदर, न्यायालय का फैसला आ गया है। वो जो भिखारियों की टोली चलाते थे। हाँ वही। बहुत अच्छा हुआ भैया ये तो। हाँ अच्छा तो हुआ, लेकिन मंत्री के बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ। वो क्या नाम है उसका? रोहन। रोहन ना उसकी माँ है ना कोई करीबी रिश्तेदार है, उसको बाल गृह में रख दिया गया है। देखो बड़े के कुकर्मों को बच्चों को झेलना पड़ता है। अच्छा बाबा। हाँ मेरे राजा बेटा बोलो। हमें और श्रवणी को आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। वो जो मिनिस्टर का बेटा रोहन है उसको हम लोग घर पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये कोई पूछने वाली बात है? अपराधी का बेटा है वो। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने हमें बचाने की कोशिश की उसके पापा से। हाँ माँ, अगर वो उस टाइम पर अपने बाबा को अपनी बातों में ना फंसाया होता ना, तो शायद हमको वो लोग किसी नदी में फेंक देते पुलिस के आने से पहले। अरे इसे कितनी चोट लगी है, इसको तो डॉक्टर के पास आना चाहिए। और पापा देखो कितना खून बह रहा है। और बाकी के बच्चों को एक ट्रक में बिठा के कहीं दूर शहर में भेज देते जिसमें बंटी भी था। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।